कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले और हंसने वाले अपनी जान पहचान वाले लोग ही होते हैं। परिवार वहीं आगे महान बनता है जहां मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो, अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। करने दो, जो आपकी बुराई करते हैं ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ नहीं दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। संबंधों को बांध कर रखना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो ही जानते हैं, पर परमात्मा और दूसरा अपनी अंतरात्मा हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हो। मतलब ही दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित ही होती है। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूं तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि आंधी कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान होता है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बिठा दो, पर छलांग वह नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीखे, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होते हैं तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूट जाती है। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता जनाब, फिर यह तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूं। समय सत्ता संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और गुरुर दोनों ही जीवन के सबसे मोटे दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई अपना होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। एक झूठ तुमसे हजार झूठ बुलवाए, तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। प्रिय दर्शकों, आपने हमें बहुत प्यार दिया और आपका यह प्यार हमेशा बनाए रखे और आपके जीवन में ऐसा ही ज्ञान अर्जित करते रहे। यही ज्ञान आपको जीवन में सफल बना सकता है। जो मनुष्य इस ज्ञान को सुनेगा, समझेगा और अपने जीवन में उतारेगा, उस मनुष्य के जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए, वह उसे हंसते हंसते पार कर देगा। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, हमारी जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम ही आते हैं। सिर्फ पहनावा ही नहीं, सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो रिश्तेदार बैठे हैं। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह रुक रुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा बिखर जाते हैं। जहां पौधे और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर कर लेना। कौन चाहता है खुद को बदलना, किसी को नफरत, किसी को प्यार बदल देता है। पके हुए फल की तीन पहचान होती है, एक तो वह नरम होता है, दूसरा वह मीठा होता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी तीन पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है,
दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। जो तुम्हें अनदेखा करें, तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में आप अकेले कमाते हो, और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पौधे को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से कोई मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्या है, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी मोटा धोखा होता है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखें, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखें। रिश्तों की शुरुआत अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो जाता है पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती, और वो गलत बात इंसान कभी नहीं भूलता। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं, पर जो भी रिश्ते हो उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे लेकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत खो देना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वो ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। जो भी सपना आपने देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो ना ही काफी है। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है, एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूट जाना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का हो नहीं सकता। चाहे समय हो या फिर इंसान कर्म, बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बदहुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता कर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई हो तो उसका एहसान माने, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग एक जल्दी जल जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, और ना किसी को कमजोर समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं मिलता, क्योंकि आपको कब कहां और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। मान और सम्मान की बात में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखिए, किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। बुहारी में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करती है, बंधन खुल जाने पर बुहारी खुद कचरा बन जाती है।
इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना होता है। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वह फरिश्ते होते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से कर, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते खत्म कर देती है। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है उसे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना, जैसे तराजू पर दूसरों को तोलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। बेहद मुश्किल जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले महान बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस त्यागनी होती है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। ज्ञान स्वयं एक वरदान है, इंसान तो केवल उसका आविष्कार करता है। किसी भी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगाना, तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख बने हुए हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे इंसान का वजूद हिला देती है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह नम्रता की पहचान है, पर यह याद रखना आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। लोग शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, मगर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलती। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं। कुछ लोग हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। अत वक्त के साथ खुद को बदलना ही जिंदगी है। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर है। जिंदगी जीने के लिए ही मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ थामे रखो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त कुछ समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी और तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब के आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे मोटे दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह मोटी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगे। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन में उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला गया, एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर हंसना नहीं। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी नहीं करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं।
अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समस्याओं का समाधान ढूंढने में किया जाए। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो मनुष्य जीभ पाकर भी भगवान का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष का रास्ता पाकर भी उस पर जाने की चेष्टा नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है, वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति, जो राक्षसी प्रवृत्तियों के होते हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा करने या मुझे पाने का प्रयास कभी नहीं करते। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे मोटा सहारा है जो कोई भी सहारे को पहचान गया है, वो डर, चिंता और दुखों से मुक्त रहता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो राह पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर जरूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ होता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पौधे को काट नहीं सकती। हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम उन लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते हैं। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास यह समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि छोटे व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान, यह दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना यह भी बहुत मोटा धोखा होता है। हिम्मत मत हारना दोस्तों, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुले आम दो विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार तो नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता, क्योंकि आपको कब, कहां और किस मिलना है ये ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीती है? धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। बोलने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस त्यागनी होती है।
जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी कम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को अपना लेता है उसे हाथ से माला फेरने की जरूरत ही नहीं है। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। अर्जुन ने 10,00,000 सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। उपवास हमेशा अनाज का ही क्यों लोभ लालच जंगली काम क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए? उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर त्याग देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनाकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाए। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दोस्तों, बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। जीवन में आगे सफल होना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उस जगह पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावना को समझने के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से मत लगाओ। जिंदगी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ में साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वो अपनों से ही ठोकर खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और सबसे मोटी समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच यह है कि औरत के बिना तो कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, पर इंसान हालत देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास ना हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। प्रेरणा का सबसे मोटा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए अच्छा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, इसलिए अपने अंदर करुणा रखें, आवेश नहीं। क्योंकि पुष्प मेघ की वर्षा से खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी गलत लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से मोटी इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज बदलती है। हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। ना तो यह शरीर तुम्हारा, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, एक दिन यह शरीर इन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, धर्म के लिए बोलना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। जितना भी असत्य का पानी डाले, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो मनुष्य भगवत गीता को सुनकर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए, चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए। स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, और जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है।
साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान में आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो स्वयं आपको अजीब ना लगे। खुद में स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करें जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। चुप रहने से मोटा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से ज्यादा कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। कमजोर, तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो मनुष्य दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लीजिए। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांति रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई कोई नहीं जानता। मैं ऊष्मा देता हूं, मैं वर्षा करता हूं और रोकता भी हूं। मैं अमृत भी हूं
और मृत्यु भी मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहां हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बात ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन में सबसे मोटी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है, ना हमारे धन की जरूरत है, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी त्यागने के लिए नहीं कहता, बस कहता है मन के विकार त्याग दो, गंदे विचार त्याग दो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा, यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो ज्यादा हो जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहे। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छूटे, सगे साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह था मुस्कान और सकारात्मकता थी। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है, सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सीख सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहें, ज्यादा मुस्कुराते रहे। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा, वह नहीं अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य में निर्माण करती है, पहला स्वभाव, और आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बर्बाद होना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाएं। दूसरा, आपका बोलना जो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से महान कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से मोटा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर के सामने बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत ही मायने रखता है।
अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग भूलकर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे मोटा कोई घर नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते हैं। अपना मन अच्छे कार्य को करने में लगाए, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि एक काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वह मर सकता है, तो वह जीवित रहने के लायक ही नहीं है। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपके बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है, तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान से स्थिर रहती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा या दोष से प्रभावित नहीं होते। एक अनुशासनहीन मन जितना आज्ञाकारी कुछ भी नहीं होता। आपका मोटे से मोटा दुश्मन भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें, और सोचते समय केवल सोचे, यही वास्तविकता में करना। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। दुनिया नहीं जानती, हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं, उनके सारे कलेश एक ही बारी में खत्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित ही रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आगे आने की उम्मीद करेंगे, तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को ही उसके लिए आगे आना होगा। आपके पास जो कुछ भी है, उसे ज्यादा फैला के मत बताइए, और ना ही दूसरे से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, उसे मन की शांति नहीं मिलती। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द जान ले, आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द बोले, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते, उनका कोई लाभ नहीं। अगर आपका चित्त शांत है, तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसका ताला है और ध्यान इसकी चाबी है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं, तो फिर चिंता क्यों करनी? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं, तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला निडर होता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं तैर सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकती, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अच्छे परिवार से या फिर उसके जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है, वही धन्य है, वही संत है। दर्द हो तो यह आपके हाथ में नहीं है। हां, दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे मोटा उपहार है, संतोष सबसे मोटी संपत्ति, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं, हम वही बन जाते हैं। अगर मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता, तो अकेले ही चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना उस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार और धनी व्यक्ति
जिस भी जगह चलता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है, वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है, पता नहीं क्यों चले जाते हैं। वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिनके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी हो। कोई भी अपना नहीं होता, यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जा या 100 बार फेल हो जाए, पर कसम खाए कि अपनी जिंदगी में हार नहीं मानेंगे। दोस्तों, जीवन में बहुत भयानक चीजें हैं, उसका सामना करना सीखे। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कई गुना बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर जिसे भी अपना दर्द बताओगे वही लोग मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना यही सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहां भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं है। जीवन में खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, मुझे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वह समुद्र पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। भूखा पेट और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख काफी नहीं है, आसमान के लिए हौसले भी चाहिए ऊंची जीत के लिए। जिंदगी में पछताना भूल जाओ, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको भूलने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं लेकिन रिश्ते निभाना नहीं चाहते। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें सारी समस्याएं अजीब लगती हैं। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब कोई इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। जिद और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, पर ठान लो तो जीत होगी। अगर महानता प्राप्त करना चाहते हो तो अनुमति मांगना बंद कर दो। सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन फिर गुजर जाएंगे, हंसने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीख, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। अगर कोई आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो सच्चाई यह है कि आपने वह चीज करना बंद कर दी है जो उन्हें आपसे चाहिए थी, बाकी आपने कुछ नहीं बदला। लौटते वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, रूठ कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है, कोई मिले या ना मिले। हाथ थाम कर तो देखो, आदमी मोटा हो या छोटा कोई फर्क नहीं होता। उसकी कहानी मोटी होनी चाहिए, सोचने से कहां मिलते हैं। तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मंजिलें पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी ऊंची हो लोग खरीद ही लेते हैं। पैरों को बस चलना सिखा दो, मंजिल करीब आती चली जाएगी। मुश्किलों के रास्ते में जो भी चलता है बस वही इस दुनिया को बदलता है। नए लोगों से आज कुछ तो सीखा है, पहले अपने जैसा बनाते हैं फिर साथ नहीं देते हैं।
पसंद है, मुझे उन लोगों से हारना जो हराने की वजह से पहली बार जीते हैं। बारिश के बूंदों में झलकती है तस्वीर उनकी और हम उनसे मिलने की चाहत में डूब जाते हैं। मुझे धोखे ने ही सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। जिंदगी के लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अपने दिमाग को लक्ष्य पर पहुंचाना होता है। जिंदगी में एक बार गिरना भी जरूरी है, इससे हमारी मेहनत की पहचान होती है। एक बात याद रखना, अपने लक्ष्य के बारे में किसी को मत बताना। दूर रहना है मुझे उन सबसे जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाना। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं सब कुछ करके बैठे हैं। आप कह रहे थे इतना कमजोर कभी नहीं होना चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर मेहनत और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठे होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते, जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। अपना बुरा समय खुद को बेहतर बनाने में ना दो, क्योंकि अगर रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनते तो यह दुनिया है, यह तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको छाटने लगे तो समझ लेना कि अब तुम्हारा वक्त है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं बोल सकते। हो, हम टूटे हुए लोग हैं जनाब, हम बोलना नहीं चुप रहना पसंद करते हैं। जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वह कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में भी पिघले नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले ही पीठ पीछे खंजर घोप जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से भी मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं। यही शब्द इंसान की किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। आए हो निभाने जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा करके चलो कि जमाना मिसाल दे। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी, हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटा कर जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे यहां पर। हर अपना दिखने वाला धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उस भाषा में समझा सको। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ नहीं दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। जो प्रेम आपको जीना सिखाता है वही तो सच्चा प्रेम होता है। प्रेम को महसूस करने वाला धन्य होता है, वही तो राधा कृष्ण का परम भक्त होता है। इरादे अगर दोनों तरफ से पक्के हो तो ईश्वर उनसे मिलने के लिए राजी हो ही जाते हैं। प्रेम की भाषा आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी यह पैगाम देती है, यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। दुख से डरना मत, क्योंकि दुख ही जीवन का एक हिस्सा है। दुख को सहन करके ही हम सुख का सही स्वाद पा सकते हैं। ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं, हमें ईश्वर को अपने हृदय में खोजना चाहिए। यह सुविचार हमें बताता है कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, वे सबके हृदय में निवास करते हैं। हमें ईश्वर को अपने हृदय में खोजना चाहिए। प्रेम ही जीवन का आधार है, प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। सच्चाई ही एकमात्र मार्ग है, सच्चाई से ही हमें मोक्ष मिल सकता है। प्रेम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है, प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। हमें अपने जीवन में प्रेम को महत्व देना चाहिए। यह सुविचार हमें प्रेम का महत्व समझाता है। ईश्वर सर्वव्यापी हैं, वे सबके हृदय में निवास करते हैं, हमें ईश्वर को अपने हृदय में खोजना चाहिए। यह सुविचार हमें ईश्वर के प्रति विश्वास दिलाता है।
हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे जाना चाहिए। यह सुविचार हमें आत्मविश्वास देता है। सभी जीवों में ईश्वर का वास होता है। हमें सभी जीवों के साथ दया और करुणा से पेश आना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन को वश में रखता है। कर्म ही जीवन का नियम है। हम जो कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें मिलता है। अहिंसा ही सबसे मोटा धर्म है। हमें हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए। सर्वधर्म संभाव का पालन करना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ज्ञान ही मानव जीवन का सबसे मोटा लक्ष्य है। ज्ञान प्राप्त करके ही हम जीवन का सही अर्थ समझ सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वह स्वयं की भी मदद करता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत मेहनत करनी चाहिए। अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उनसे आगे जाना चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन में खुश रहने के लिए अपने वर्तमान क्षण का आनंद लेना चाहिए। दूसरों के साथ क्षमा और प्रेम भाव से पेश आना चाहिए। भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। भक्ति करके ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों का आना जाना स्वाभाविक है। हमें दोनों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। जीवन में कभी भी किसी से बहुत उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें कभी भी पूरी नहीं होती हैं। जीवन में कभी भी किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपका हो जाना चाहिए वह आपके पीछे आएगा। जीवन में हर किसी को कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। जीवन में कभी भी किसी को पूरी तरह से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास कभी भी टूट सकता है। जीवन में कभी भी किसी चीज को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा हमारे पास नहीं रह सकती है। जीवन में कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या हमें अंदर से खोखला बना देती है। जीवन में कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरे विचार हमें दुखी बनाते हैं। जब हम सुख में हों तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुख हमेशा के लिए नहीं रहता है। हमें इस सुख का आनंद लेना चाहिए, लेकिन हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि एक दिन यह सुख खत्म हो जाएगा। जब हम दुख में हों तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुख भी एक स्वाभाविक हिस्सा है। हमें इस दुख को सहन करना चाहिए, लेकिन हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि एक दिन यह दुख भी खत्म हो जाएगा। हम दूसरों को भी इस सुविचार के बारे में बता सकते हैं। इससे उन्हें भी जीवन में सुख और दुख दोनों को सहर्ष स्वीकार करने में मदद मिल सकती है। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हर किसी को एक दिन मरना ही होता है। हमें इस बात से डरना नहीं चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन जारी रहता है। हम मृत्यु के बाद भी अपने अच्छे कर्मों से दूसरों की मदद कर सकते हैं। हम दूसरों को भी इस सुविचार के बारे में बता सकते हैं। इससे उन्हें भी मृत्यु से न डरने में मदद मिल सकती है। प्रिय दर्शकों, आपने हमें बहुत प्यार दिया और आपका यह प्यार हमेशा बनाए रखे और आपके जीवन में ऐसा ही ज्ञान अर्जित करते रहे। यही ज्ञान आपको जीवन में सफल बना सकता है। जो मनुष्य इस ज्ञान को सुनेगा, समझेगा और अपने जीवन में उतारेगा, उस मनुष्य के जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए, वह उसे हंसते हंसते पार कर देगा। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।